तो आज जिस वक्त बड़ी खबर यह है, 1000 करोड़ का लालू परिवार, ये आरोप लग रहे हैं। कई जगह इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे हैं और कई सारे आरोप लगे हैं। देखें आप, मीसा भारती शैलेश, करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, करीब 115 करोड़ की तेजस्वी की प्रॉपर्टी, पेट्रोल पंप आवंटन में गड़बड़, तेज प्रताप, पटना में कौड़ियों के भाव जमीन, 10 रुपए के शेयर 90 रुपए में बेचे, मीसा के ऊपर आरोप, 90 लाख में बेची मिट्टी, सरकारी आवास का गलत इस्तेमाल, पटना में कौड़ियों के भाव जमीन, 90 लाख में मिट्टी बेची मिट्टी, ये इनके ऊपर आरोप लगे हैं। सुशील मोदी जो हैं वो कई दिनों से आरोप लगा रहे थे, आज इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई है बेनामी संपत्तियों को लेकर, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर, कई सारी चीजें यहां पर सामने आई हैं। 22 ठिकानों पर छापे की खबर है। क्या संकट में है गठबंधन, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आज एक ट्वीट भी किया, हालांकि बाद में उसको करेक्ट भी किया, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने ट्वीट किया वो एक चिंताजनक विषय था। सीधे लेके चलते हैं आपको, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आरजेडी से रघुवंश बाबू हमारे साथ है। रघुवंश प्रसाद बहुत पुराने नेता हैं और वो हमारे साथ हैं। रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। रघुवंश जी स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारी चीजें सामने आ रही हैं और आज इनकम टैक्स की रेड हो गई, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? तो जय भंसी या से चटनी, श्री सुशील कुमार मोदी कई दिनों से ये सवाल उठा रहे हैं और उनके विरुद्ध राजद के तरफ से भी सवाल उठाया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन भारत सरकार इसमें नंगी हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे हो गए, इसलिए कि एक तरफा जांच छानबीन छापामारी है। सुशील मोदी के खिलाफ जो सवाल उठा उस पर क्या कार्रवाई भारत सरकार ने की, या सभी साजिश के तहत लालू प्रसाद को ध्वस्त करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से उधर भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कार्रवाई बदले की भावना से राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाइयां कर रही है, इसलिए कि हम लोगों ने फैसला किया है राजगीर प्रशिक्षण शिविर में कि 27 अगस्त को गांधी मैदान को भरा जाए और विस्तार रैली, विराट रैली किया जाए और केंद्र सरकार के खिलाफ में जन संग्राम की शुरुआत हो, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो और सेकुलर पार्टियां एकजुट हो। इस घबराहट में केंद्र सरकार ने सारा कुछ अपना इस्तेमाल, आयकर विभाग इनकम टैक्स वाला को, सीबीआई को लगा दिया, वहां चिदंबरम के खिलाफ वहां अलग छापामारी, इधर अलग छापामारी, अब 22 जगह कहां छापामारी हम लोग खोज रहे हैं कि 22 जगह कहां ठिकाना है या कहां छापामारी है रे भाई। और जो जमीन और कंपनी का सवाल है वो तो पब्लिक डोमेन में है, सबको जानकारी है, और उसमें कौन ये सवाल उठा रहे सुशील मोदी, और उठाते उठाते जय भंसिया से चटनी, इनकी पार्टी की हुकूमत कम से कम बदनामी तो होगी, हल्ला तो उठेगा, 22 जगह छापा और ये कारोबार ये संपत्ति 1000 करोड़। ठीक है, आपने जो बोला, एक मिनट रघुवंश जी, एक मिनट, आपने अभी जो आरोप लगाए हैं, 100 करोड़ की संपत्ति, आपने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप पर रामेश्वर चौरसिया आपका क्या रिएक्शन है, बताएं जरा रामेश्वर जी। देखिए, जो रघुवंश बाबू बोल रहे हैं, पहले कोई नई बात नहीं है, लालू जी पर चौरसिया जी के हम लोग पूछते थे कि इनको भी पोस्ट उस्ट कुछ मिलेगा, कुछ दिया नहीं, आई उधर से खड़ा कर दिया है लोग बोलने के लिए। देखिए, आरोप जो कह रहे हैं रघुवंश बाबू, हमारी सरकार है, हमारी इनकम टैक्स है, ऐसा नहीं होता है। लालू जी पर जब चारा घोटाले में केस हुआ तो लालू जी पर उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ध्यान दीजिए, और लालू जी उसी कांग्रेस के साथ 5 साल रेल मंत्री भी रहे, उस मंत्रिमंडल में रघुवंश बाबू भी शामिल थे। सवाल ये नहीं है कि कौन उठा रहा है, सुशील मोदी जी उठाए तो तथ्यों के साथ उठाए, लोकल सेंट्रल नेशनल मीडिया ने भी दिखाया, आपने देखा पेपर लाल आकर के लोगों ने दिखाया। इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि संपत्ति है, क्या है, कैसे बनाई, एक अलग विषय है। दूसरा एक मुद्दा इसमें उठता है कि इनके दोनों बेटे चुनाव लड़े, एमएलए बने, उसमें इन्होंने संपत्ति छुपाई, ठीक है, 2 करोड़ की थी, 10 करोड़ की थी, 100 करोड़ की थी, 150 करोड़ की थी, उन्होंने मेंशन नहीं किया।
मिट्टी का घोटाला तो वो छोटा घोटाला है, दूसरा जो दिल्ली में मीसा भारती जी अब राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं, इन्होंने भी अपने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया, तो तलवार सिर्फ इसकी नहीं लटकी है, तलवार तो इन पर पहले से लटकी हुई है कि दोनों की सदस्यता जा सकती है, मीसा भारती जी भी की सदस्यता जा सकती है। और ये जो बेनामी संपत्ति है, आप लोग इतने सवाल उठा रहे थे मीडिया में, अगर ये नहीं करेगा तो लोग कहेंगे पॉलिटिकल लोग पावरफुल लोग हैं, इनको बचाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आने के साथ घोषणा किया था, एक तो ब्लैक मनी, आपने देखा किस तरह ब्लैक मनी को बाहर लाया जा रहा है, किस तरह नोटबंदी से लोग खुश हैं, उसी तरह उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था। और ये लोग मन की बात अगर सुने होते, रघुवंश बाबू मन की बात अगर नरेंद्र मोदी जी के सुने होते प्रधानमंत्री जी का, तो आपको एहसास है, और उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोला है कि बेनामी संपत्ति पर अब बेनामी संपत्ति वाले को नहीं छोड़ेंगे, और नीतीश जी ने भी इसका समर्थन किया था बिहार में, नोटबंदी का भी बेनामी संपत्ति का भी। तो बेनामी संपत्ति जिसके पास भी मिले, आप कह रहे हैं सुशील मोदी जी का, उसका तो कुछ प्रूफ दिया नहीं आपने, जैसे एक आरोप लग रहा है वो कुछ पेपर के साथ आ रहे हैं, आप कुछ प्रूफ देते सीबीआई हमें, आप सब मीडिया को देने की जरूरत नहीं, आप सीबीआई को दे दीजिए, इनकम टैक्स को दे दीजिए, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो रेड करेगी। तो मैं मानता हूं कि इतने बड़े घोटाले में अगर घोटालेबाज को बचा रहे हैं तो उंगली तो नीतीश कुमार जी पर भी उठ रही है कि आखिर नीतीश कुमार जी सब कुछ देखते हुए भी 1.5 साल से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने अपनी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? मिट्टी घोटाला हो रहा था तो उनको नहीं, वो तो सुशासन बाबू कहलाते हैं, दूसरों डीजी पूर्व डीजी की प्रॉपर्टी भी संपत्ति भी जब्त कर लिया, आखिर लालू यादव जी के पास इतनी संपत्ति मिली रामेश्वर जी, एक बात बताइए, मिट्टी घोटाले की इंक्वायरी तो नीतीश बाबू ने करवाई है, वो तो स्टेट ने ही ऑर्डर किया। तो मैं बोल रहा हूं कि वो भी संपत्ति जब्त करनी चाहिए ना, हमारे समय जब एनडीए की सरकार थी तो आपको मालूम है कितनी संपत्ति जब्त हुई, और उसमें बच्चों का स्कूल खोला गया, लेकिन एक काम अब नीतीश जी भूल गए, अब तो संपत्ति जब्त ही नहीं करा रहे, क्योंकि किस किस कराएंगे, सब तो इन्हीं के लोग हैं। रघुवंश जी, आपकी अपनी सरकार ने मिट्टी घोटाले के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, नंबर एक। नंबर दो, आप जो चीजें थी ये बाद में पूछूंगा गठबंधन को लेकर, लेकिन अभी जो चीट हो गया, एक मिनट, अभी जो और चीज गड़बड़ी नहीं मिली, अभी जो और चीजें हैं वो ये है, न सिर्फ आपने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया है और बल्कि आपके ऊपर कई सारे आरोप लगते आए हैं आरजेडी को लेकर, वो कई सारे तथ्य जो सामने आ रहे हैं, कितना घपला हुआ, कहां पे क्या घपला हुआ, वो सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, आप दोनों के बीच में कई विवाद सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की अगर बात की जाए तो जो व्यक्ति फॉर्डर स्कैम में पूरी तरीके से लिप्त है, जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हुए, अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स रेड होती है तो किसी को इस देश में हैरानी होती नहीं है। वैसे जैसे केंद्र सरकार का तीसरा वर्ष आज पूरा हुआ, 3 वर्ष पूरे हो गए, जनता में अब इन लोगों ने जुमलेबाजी की थी और जनता को वचन दिया था, वादे किए थे, लोग खोजता, लेकिन तीसरे वर्ष के ही दिन आज यहाँ चिदम्बरम पर छापा, यहाँ लालू प्रसाद जी पर छापा, इनके परिजन पर आरोप कार्रवाई, ये क्या बताता है? तीसरा वर्ष में जनता मालिक सवाल पूछती, क्या काम किया 3 वर्षों में, वादे किए गए, अब तक कितना समय इनको बाकी है काम करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट लोग दाखिल करता, वहाँ रिटर्निंग अफसर के यहाँ, इलेक्शन कमीशन का काम है देखना कोई तथ्य को छिपाया तो उस पर आपराधिक मामले चलते, वो इनका विषय नहीं है, ना वो बेनामी संपत्ति का मामला है, ना इनकम टैक्स का विषय है, कोई भी एफिडेविट देता है या संपत्ति इधर से सारा ब्यौरा लोगों ने दिया है। सवाल नंबर तीन कि जो पहले से ये सवाल उठा रहे हैं इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्रोपोर्शनेट असेट केस का मामला बाबू लालू प्रसाद के विरुद्ध खारिज कर चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद कौन कोर्ट होता है जो नए ढंग से उसी बात को घुमा फिरा करके बोल करके किसी के विरुद्ध या वातावरण तैयार किया जाए, 22 जगह पर छापा, 22 ठिकानों पर, कहां 22 ठिकाना है, एक को हम पांचों को ठिकाना पूछना चाहते हैं जो कहां कहां ठिकाना है, तो इसलिए ये छापा, फिर ट्वीट किया, ट्वीट तो ऑन रिकॉर्ड होता है, जो ट्वीट किया भारत सरकार और उनके सहयोगी उनकी सेंट्रल, आपने ट्वीट का जिक्र किया, एक मिनट रघुवंश जी, आपने ट्वीट का जिक्र किया, मैं भी ट्वीट का ही जिक्र करता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जिसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगा।
बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हो, लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है, जब तक आखिरी सांस है फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ये नए अलायंस पार्टनर क्या लालू प्रसाद यादव नीतीश को लेकर कह रहे थे, और क्या वजह है कि इसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन भी इशू करना पड़ गया। सीधे आपको दिखाते हैं क्या कहना है आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका, मनोज झा का। इस प्रकार की गिदर भभकियां जो जुबान बंद करने की कोशिश हो रही है सरकारी तंत्रों के माध्यम से, हमने लालू जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि नए अलायंस पार्टनर जो हैं, जो आईटी को अलायंस पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी को कल को इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई को इस्तेमाल करेंगे, उस तंत्र जो नया उनका गठबंधन सहयोगी है वो उनको मुबारक हो, लेकिन हमारी लड़ाई अदालत में भी चलेगी और जमीन पर भी चलेगी। हम एक मिनट मेरी बात खत्म करने दीजिए, हमें पता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिण पंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। हजार करोड़ का लालू परिवार, क्योंकि ये आज कई जगह जब रेड हुई है उसके बाद कई सारी चीजें यहां पर आरोपों के तौर पर सामने आ रही हैं, और आज बातचीत करने की कोशिश की गई लालू प्रसाद यादव के पुत्रों के साथ। लालू तो ट्वीट पर काफी एक्टिव थे, लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या किस तरीके से मीडिया से बचते हुए सामने दिखे, आपके सामने स्क्रीन पर। आप देखिए, इनसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये कुछ भी बोलने से बचते हैं। मुख्यमंत्री है लेकिन कुछ नहीं बोलना चाहते। सारे माइक एक तरफ और ये एक तरफ। तेजस्वी सवालों से बचते हुए आगे निकलते हैं। ये तस्वीर आप देखें किस तरीके से आज, जब ये देखें आप, तेजस्वी से सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखें आप, दरवाजा खुलता है, मीडिया मौजूद होता है लेकिन कुछ नहीं बोलते। रघुवंश बाबू, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछता हूं। अब मेरा जो सवाल है आपके अलायंस को लेकर है, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हो, लालू प्रसाद झुकने और डरने वाले नहीं हैं, जब तक आखिरी सांस है फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। क्या लालू प्रसाद यादव ने यह सीधे सीधे एक मैसेज दिया है नीतीश कुमार को, जब उन्होंने यह कहा कि बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हो, जब आज उन्होंने यह ट्वीट किया रेड होने के तुरंत बाद? ट्वीट का आंशिक रूप से वो मिस ट्वीट करके दिखाया गया और उसको गलत एक्सप्लेन किया गया, जिसकी सफाई पार्टी के प्रवक्ता द्वारा मीडिया को दी जा चुकी है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, चलिए, गलत है। रघुवंश जी, मुझे एक चीज बताइए, कहा गया क्या आप लोगों का अलायंस एकदम ठीक चल रहा है, क्या आप लोगों का गठबंधन एकदम ठीक चल रहा है? एकदम ठीक है। और जब महागठबंधन के पार्टनर पर हमला है तब तो और महागठबंधन एकजुट होगा। नहीं, लेकिन अभी तक जेडीयू आपका डिफेंड करने कहीं पर नहीं आई है। कार्यकर्ता समझ रहे हैं, अभी तक जेडीयू ने आपको डिफेंड नहीं किया है अभी तक। के लिए उनको डिफेंड करने की कहां जरूरत? अच्छा, चलिए तो फिर मैं ये बता देता हूँ। एक मिनट रघुवंश जी, फिर ठीक है एक मिनट रघुवंश जी, अगर डिफेंड करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो अटैक क्यों कर रहे हैं आप पर? नीरज सिंह, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, वो कहते हैं, एक मिनट सर, कानून के राज पर सवाल उठाकर, उनका यह कहना था, उन्होंने आपके लिए कहा था, रघुवंश सिंह हमेशा सरकार की नीति पर सवाल उठाते हैं, कानून के राज पर सवाल उठाकर क्या वो इसे जंगल राज बनाना चाहते हैं, बिहार में इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। नीरज ने कहा कि लालू जी आप जुबान खोलिए, ये आपके ऊपर अटैक था। बकायदा डीमोनेटाइजेशन पर लालू अटैक करते थे और नीतीश उसको अच्छी चीज बताते थे। अब आप बताइए, आपका अलायंस जो है ये ठीक चल रहा है, ये उसके संकेत तो नहीं है? हाँ, तो थपेरे पर थपेरे खा रहा हूं, पर किश्ती सलामत जा रही है, इसलिए महागठबंधन एकजुट है और अगल बगल से लोग ताक झांक करके इसको हिलाना चाहते हैं, अभी हम लोग हिलने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे जो अभी पूछा, नीरज सिंह ने जो आपके ऊपर टिप्पणी की, क्या कहेंगे आप इस पर?
अब उतना कतनी आए, एक और टिप्पणी हुई है, कितनी टिप्पणियां हुई है, लेकिन वो सरकार की एकजुटता के लिए नहीं, सरकार की कमियों को हमको उजागर करना है। जैसे अपने घर के बच्चे को बढ़िया से पढ़ो, न तो परीक्षा में लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे यही कहा, सरकार को हम हिदायत नहीं करेंगे कि ठीक ढंग से काम होना चाहिए। उन्होंने तो लेकिन उन्होंने तो यही कहा है ना। देखिए मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ रघुवंश बाबू, उन्होंने तो यही कहा है कि क्या आप इसे जंगल राज बनाना चाहते हैं, और ये सरकार के लिहाज से उन्होंने कहा था। इस पर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी खैर रामविलास पासवान कुछ कह रहे हैं, उन्होंने बातचीत की हमारे सहयोगी से, वो भी दिखाते हैं आपको। लालू यादव के परिवार के बेनामी संपत्ति मामले में जो रेड हुई है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी। पासवान जी, जो आज इनकम टैक्स की रेड हुई है लालू यादव के परिवार में, जो बेनामी संपत्ति का मामला है, किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए ये मामला कोई जनता दल यू या महागठबंधन का नहीं है, और ना ही ये मामला बीजेपी का है। ये मामला भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार के मामले में जनता के सामने में सच्चाई आनी चाहिए। और हमको आश्चर्य लग रहा है कि अभी जनता दल यू का भी हम देख रहे हैं बाइट टीवी के ऊपर में कि महागठबंधन एकजुट है, तो क्या नीतीश जी बतलाएंगे कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में भी महागठबंधन एकजुट है? लेकिन लालू यादव का पासवान जी कहना है कि वो झुकने वाले नहीं है, कोई उनको झुका नहीं सकता, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ ऐसे लड़ते रहेंगे, और नया गठबंधन मुबारक हो, इसका क्या मतलब? वो क्या कहें, अब नया गठबंधन का उनका क्या मतलब है हमको नहीं मालूम है, वो तो लालू जी बतलाएंगे या नीतीश जी बतलाएंगे कि नया गठबंधन क्या है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जेल जा चुके हैं और उसके बाद झुकने वाले नहीं है, क्या है मतलब? तो क्यों जेल गए थे, कह देते कि हम जेल नहीं जाएंगे और जाते। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार में सच्चाई आगे आने चाहिए। सीधे रामेश्वर चौरसिया जी से मैं सवाल करूंगा, अपने 17 साल के पार्टनर को क्या पर्दे के पीछे यहां पर कुछ चल रहा है, उसको अपने साथ लाने की कोशिशें चल रही हैं? देखिए क्या होता है, आपको बताऊं, कहा जाता है कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता जल्दी। लालू जी भ्रष्टाचार में ही मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था भ्रष्टाचार के चलते, उसी में जेल गए, आपको मालूम है, जिसके चलते 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, जेल के बाहर हैं। रेलवे मंत्री वहाँ थे तब तक, ये जो भ्रष्टाचार आपका आ रहा है वो रेल मंत्री के काल का भ्रष्टाचार आ रहा है, जब दिल्ली आए तो यहाँ अलग तरह के भ्रष्टाचार हुए। अब सवाल ये उठता है कि फिर लालू जी पावर में आ गए और ये एक बड़े पार्टनर के रूप में आए, तो आज आपको पता होगा कि आप टेप भी सुनाते हैं कि वो किसको नहीं फ़ोन करते हैं, थाना प्रभारी को भी फ़ोन कर देते हैं अपने गुंडों को बचाने के लिए, एसपी को भी फ़ोन कर देते हैं। तो लालू जी की जो फितरत है वो भ्रष्टाचार वाली, तो उनके बेटों पर चला गया, बेटियों पर चला गया, और सरकार बनने के बाद तो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को परेशानी होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं तो सीधे आरोप उन पर भी लगता है। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आपने नीरज जी का बयान सुनाया, सवाल ये है कि इसमें कहाँ किसी पार्टी का लेना देना है। ये भ्रष्टाचार के मामले में ईडी काम करता है, सीबीआई काम करती है, कोर्ट काम करता है, इनकम टैक्स काम करता है, ये एजेंसियां अपनी काम कर रही है। लालू जी का जिस तरह से क्लीन चिट दे रहे थे कि डिसप्रोपोर्शनेट के मामले में, रघुवंश बाबू को पता होना चाहिए कि ये जब मामला सब निकलता है उस समय के मामले अलग थे, वो तथ्य नहीं सामने आए होंगे। अब जो तथ्य सामने आए हैं कि आपके प्रेम गुप्ता जी को आप 4 बार से राज्यसभा में क्यों रख रहे हैं, हरियाणा के आदमी को, उनसे कैसा लिंक है, ये सब सामने आ रहा है, तो ये 1000 करोड़ नहीं है, तो 2-4 हजार करोड़ तक जाएगा। और परेशान जी, मैं आप ही के एक बड़े नेता का आपको एक कोटेशन सुनाना चाहूंगा, जब आपने कहा नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, मुझे भी एक कोटेशन याद आ रहा है, और वो ये है कि परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स नहीं हुआ करते राजनीति में। सीधे आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि जी, लालू यादव के परिवार के जितनी प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी आज जो है इनकम टैक्स ने रेड की है। वो पहले से ही कह रहे थे कि ये बीजेपी जो है वो विंडिक्टिव तरीके से जो है उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए मेरा जवाब ये है कि चारा घोटाले में लालू जी को सजा हो चुकी है ना, गरीबों का चारा खाने के लिए हम ही ने कहा था क्या उनको? मैं तो उसमें वकील भी था, उस पूरे PIL में मैंने बहस की थी। अलकतरा घोटाले में हम ही ने कहा था क्या? और आज मेरा उनसे एक काउंटर सवाल है, आज तक अभी तक क्या उनके बेटे ने, दोनों, और उनकी बेटी ने ये कहा है कि बिजवासन की बड़ी जमीन हमारी नहीं है, सैनिक फॉर्म की बड़ी बिल्डिंग हमारी नहीं है,
पटना का वो बड़ा सा मॉल जो बन रहा है, बिहार का सबसे बड़ा मॉल, वो हमारा नहीं है। फ्रेंड्स कॉलोनी की एक बिल्डिंग की चर्चा है, वो हमारा नहीं है। ये कहां से आए? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा ना आपको। और देखिए, सामाजिक न्याय की बात करना, गरीबों की बात करना और इस तरह से भ्रष्टाचार करके अपने और अपने परिवार को धनाढ्य बनाना। लालू जी हमसे वरिष्ठ हैं, उम्र में भी हैं और नाम भी बड़ा है। हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही हैं, साथ में जेल में थे। क्या था नारा जेपी का? भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और क्या बिहार बन रहा है ये तो आप देख रहे हैं।